दुष्कर्म पीड़िता से अस्पताल में मिलने पहुंचे कांग्रेस पदाधिकारी। सूरजपुर जिले में युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की टीम ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पीड़िता और परिजनों से मुलाकात की है। दरअसल सूरजपुर जिले के प्रेम नगर में पीड़िता दशहरा मेला देखकर वापस आ रही थी। इस दौरान उसके दोस्त व अन्य साथियों ने सामूहिक दुष्कर्म करने की बात सामने आई थी, जिसके बाद परिजनों ने गंभीर हालत में पीड़िता को अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है। इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 7 सदस्यीय जांच दल गठित किया और यह दल अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती पीड़िता से बात की और ये बात सामने निकल कर आई कि पीड़िता के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन पीड़िता को गंभीर चोट आने की वजह से अभी तक पूरी जांच नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से पूरी रिपोर्ट सामने नहीं आने की वजह से डॉक्टर अभी कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन गठित जांच दल के सदस्यों ने पीड़िता से बात की तो ये बात साफ हो गई कि पीड़िता के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो समिति बनाई गई थी सूरजपुर की इस घटना के जांच के लिए, हम सभी लोग वहाँ यहाँ पर आए थे, पीड़िता से मिले। पीड़िता की हालत अभी भी ठीक नहीं है, पूरी तरह से उनको कितनी चोट आई है क्या है उसका चेकअप भी नहीं हो पा रहा है। कुछ स्वेलिंग है, कुछ फ्रैक्चर्स हैं, जब तक कि स्वेलिंग कम नहीं होगी तब तक डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। टेस्ट हुए हैं पर टेस्ट के रिजल्ट्स आने में अभी समय लगेगा। वहाँ पर जब रिपोर्ट दर्ज कराए थे तो उनके परिवार वालों का कहना है उस समय पीड़िता होश में नहीं थी, तो उनको यही लगा था कि उसके साथ मारपीट हुई है, पर जब वो बच्ची होश में आई है तब उसने बताया कि उसके साथ और भी गलत दुष्कर्म हुए हैं। बच्ची यही बता रही है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। सामूहिक दुष्कर्म और प्रेम प्रसंग का मामला दो अलग अलग बातें हो जाती हैं। सामूहिक प्रेम प्रसंग नहीं हो सकता है, ये हम सभी जानते हैं। तो हो सकता है किसी एक से उसका प्रेम प्रसंग रहा हो, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, पर इसके बावजूद वहाँ पर सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, ये बात वो बच्ची कह रही है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर मैं यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ यहाँ इसी घटना में नहीं, पूरे प्रदेश में आज के तारीख पर जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, सभी जगह पुलिस अचानक से काम क्यों नहीं कर रही है, ये प्रश्न हमको भी उठाना है, आपको भी उठाना है। पुलिसकर्मी वही हैं जो इसके पहले थे, जनता वही है, फिर बदला क्या है और इस तरह से क्राइम क्यों बढ़ रहा है, ये तो हम सबके लिए बहुत ही सोचने का विषय है। जस्ट वन टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, एमआई, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जस्ट वन टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।